और कह दिया जाए कि जेड सिक्योरिटी से भी सख्त सिक्योरिटी, जेड प्लस प्लस, जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी, डन सर। इनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। पहले तो डिटेक्ट करना इनको मुश्किल है, वो जब तक कोई एंटोमोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट में भी कोई टर्मिटोलॉजिस्ट को ना पता हो कि ये मुझे कहाँ मिलेगी तो इसको नहीं ढूंढ पाओगे। हो सकता है जब आप इसको एक्सकेवेट कर रहे हो, जब इसको बाहर निकाल रहे हो, तो इसको डैमेज ही कर दो, पता ही ना लगे। तो ये सब उस फंगल कॉम के नीचे कंसील्ड होता है। अब बिल्कुल रॉयल चैम्बर के ऊपर इसका दाए घर यानी कि नर्सरी गार्डन बना होता है, नर्सरी पार्ट होता है। वहां पे इनके अंडे, जहां पे इन्होंने एग ले कर रही है क्वीन, ये अंडे वहां पे नहीं रहेंगे। अंडे को फटाफट उठाने के लिए जो नर्सिस हैं, जो इनके नर्स वर्कर हैं, जो अटेंडेंट वर्कर हैं, वो फटाफट वन बाय वन अंडे को बाहर निकाल के और उस नर्सरी गार्डन में ले आएगी। वहां पे लुक आफ्टर करने के लिए दूसरे उनके वार्ड वर्कर बैठे, उनकी लुक आफ्टर करेंगे। कुछ दिन के बाद यदि आप स्लाइड में देखोगे कि एक लाइन वर्कर की जाएगी, दूसरी लाइन सोल्जर की जाएगी, तीसरी लाइन विंग्ड फॉर्म की जाएगी, जिसको हम कहते हैं एलेट्स। सोल्जर वर्कर एक फिक्स्ड रेशो में होंगे, ठीक है। इसी तरह से जो एलेट्स बनेंगे, विंग्ड फॉर्म बनेंगे, वो भी एक फिक्स्ड रेशो में बनेंगे। उनका बनने का एक सीजन होता है, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको क्लियर करता हूं। अब ये जो एलेट्स हैं, ये लगभग मानसून के बाद जब मैच्योर्ड एलेट्स बाहर निकल जाएंगे, बस तभी से ये प्रोसेस बनने का, एलेट्स बनने का फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जहां तक अंडों का सवाल है, वो आप स्लाइड में देखोगे कि जो अंडे हैं वो इनके मासिस में होते हैं, केवल फ्यू एमएम इनकी डायमेंशन होती है। उन अंडों से ही ये तीन कास्ट अलग अलग, सोल्जर, वर्कर और एलेट्स बाहर आते हैं। लेकिन वर्कर और सोल्जर बनने का प्रोसेस सारा साल चलता रहता है, लेकिन एलेट्स एक पर्टिकुलर सीजन में उनका बनना शुरू होगा। और जैसे ही मानसून स्टार्ट होगी, मानसून के बाद शावर आई, अच्छी शावर आई, और उससे अगले दिन या उसी दिन ब्राइट सनशाइन हुआ, शाम को एनवायरनमेंट काम हुआ, हवा ना चल रही हो, तो उस वार्म वेदर के अंदर, मास एक्सोडस के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर के अंदर, दे विल मेक देयर एग्जिट। उसको हम कहते हैं स्वार्म। भी एलेट्स का, टर्माइट का स्वार्म हो गया। बरसात के दिनों में आप लाइट्स पे कॉमनली देखते होंगे, टिपिकली इन पंजाबी वी कॉल देम भमक्कड़, पमक्कड़, पमक्कड़, या राइट राइट, है ना। वो पमक्कड़ जो होते हैं वो एक्चुअली इन्हीं के एलेट्स होते हैं, एंड दे आर द वुड बी क्वीन एंड द किंग। उन्हीं के अंदर मेल है, उन्हीं के अंदर फीमेल है। अब माउंट फॉर्मिंग के अंदर इनका नंबर थोड़ा सा कम, जो कार्टन फॉर्मिंग है उनके अंदर भी इनका थोड़ा सा नंबर कम, लेकिन जो मैंने बोला कि जो सेमी कार्टन है उनके अंदर भी इनका थोड़ा सा नंबर कम, बट अगेन इन लैक्स। लेकिन जो कुछ स्पीसीज हैं जो सब टेरेनियन है, खास तौर पे जो माइक्रोटर्मिस जेनरिक से, जो जेनरा से जो बिलोंग करती हैं, देयर नंबर इज ह्यूज, मिलियंस। एक एक स्वार्म में जो मैक्सिमम निकल रही होती हैं, जो आपको नजर आती हैं लाइट्स पे, उनका नंबर न्यूमरस है, बहुत ज्यादा होता है। जो सबसे थिक आपको क्लाउडी नजर आता है वहां पे, वो इन्हीं माइक्रोटर्मस का होता है, और वो सबसे डेंजरस होती है। डेंजरस में सबसे पहले माइक्रोटर्मस, उसके बाद में मैंने बोला कि जो माउंट फॉर्मिंग है वो डेंटोटर्मस, और तीसरा जो डेंजरस होती है एक हेट्रोटर्मिस होती है, फिर एक कोप्टोटर्मस होती है। जो हेट्रोटर्मस और कोप्टोटर्मस की हैबिट है कि वो अंदर किसी भी सोर्स के अंदर, प्लांट सोर्स के अंदर या प्लांट के अंदर जाके और बाहर की तरफ अटैक करती है, आप उसके अटैक को नहीं देख पाते।
लेकिन कुछ एक टर्माइट्स की हैबिट है कि वो बाहर से अटैक करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे से अटैक नहीं करेंगी, नीचे से भी करेंगी, लेकिन बाहर से वो नॉर्मली अटैक करेंगी और यू कैन इजीली डिटेक्ट दैट। राइट। कई बार वो हिडन अटैक करेंगी जो आपको नजर ही नहीं आएगा। नज़र तब आएगा जब कोई आपको कोई थोड़ा सा पोर्शन आपके वुड का या आपके कोई जो घर में लकड़ी के बने हुए जितने भी हमारा सामान है उसको देखेंगे कि भाई अंदर से तो ये कुछ है, यहाँ पे कुछ गिर रहा है। कई बार तो ये कुछ गिरने भी नहीं देते, केवल केवल इंसिडेंस नजर आता है कि भाई यहाँ पे टर्माइट हमें कुछ नजर आ रही है ना। इवन ये घर में माउंट भी बना सकती है। यदि आपने कहीं स्टोर को सामान किया हुआ है तो वहां उस स्टोर में भी ये घुस जाएंगी और वहां पे, क्योंकि आपने उस स्टोर को कभी विजिट ही नहीं करना, तो आप जब स्टोर में विजिट करोगे तो ये डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग अपना नेस्ट बना के वहां पे कार्रवाई डाल चुकी होंगी। ये कार्रवाई कब कहां कैसे करते हैं इसकी जानकारी को छुपा लेने की ताकत भी इनके अंदर है। ये दीमक है, जो लोग कहते हैं कि यार दीमक लगातार खाता जा रहा है, ये दीमक की तरह है, ये उसे खा जाएगा। तो यही वही टर्माइट्स, वही दीमक की बात कर रहे हैं, जिस दीमक का सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं है कि वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएगा। ये दीमक बहुत गहरा संदेश भी देता है कि कैसे यूनाइटेड होकर रहना है, कैसे एक संगठित संगठन को आगे बढ़ाना है और कैसे अपने राजा रानी की रक्षा करना है। सर फिर इसके प्राकृतिक शत्रु क्या हैं? इसके जब जहाँ तक प्राकृतिक इसकी कॉलोनी के अंदर के शत्रु हैं वो तो लिमिटेड ही हैं। वो तो कुछ आंट्स हो सकती हैं या कुछ आंट्स ईटिंग कुछ मैमल्स होते हैं, है ना, जो खाते ही इनको हैं, तो वो अपनी टंग डाल के और इनको सक करते रहते हैं। वो बहुत कम है, वो जंगल में ही होते हैं। नॉर्मली हमारे घरों के आसपास जो माउंड होंगे वहाँ पे ऐसा ही अटैक नहीं कर पाएंगे, वो नज़र भी नहीं आएंगे। या फिर आंट्स वगैरह, मैंने बोला आंट्स की डिफरेंट स्पीसीज हैं जी, तो वो इनके ऊपर थोड़ा बहुत अटैक कॉलोनी के अंदर वो भी अपर लेवल पे कर सकती हैं, अंदर नहीं जा सकते। अच्छा। जब इनके एलर्ट्स बाहर आएंगे या वर्कर्स एक्सपोज हो गए किसी कारण से, क्योंकि ये जब भी जाते हैं सारा कुछ इनका हिडन होता है। यदि मतलब बाहर आपको दीवारों में भी नज़र आएंगे या कहीं भी आपके वुडन वर्क में भी नज़र आएंगे तो इन्होंने टनल बनाई हुई होती है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है। यदि एक पर्टिकुलर मतलब एक ये कहिए कि एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इवन मैंने जब बोला था कि रॉयल चैम्बर है तो वहाँ भी टोटली एयर कंडीशन होता है, वहाँ पर लगभग टेम्परेचर 26-28 डिग्री होता है, मॉइस्चर कंटेंट्स अप्रोक्सीमेटली अबो 90 के आसपास होता है, तो फुली एयर कंडीशन है। तो इसलिए गैलरी को, ये गैलरी से बाहर काम ही नहीं करते, तो गैलरी के थ्रू अपने फूड सोर्स को लोकेट करेंगे और वहाँ पे काम करते चले जाएंगे। तो इनका टोटली मतलब जो वे ऑफ वर्किंग है वो टोटली थ्रू चैनल्स है, है ना। उन चैनल को हम कहते हैं सैटेलाइट गैलरी या फॉरेजिंग गैलरीज, तो उनके द्वारा ये फूड सोर्स तक पहुँचती हैं। अच्छा, और इसके फायदे क्या हैं संसार को? जहाँ तक इनके फायदों का सवाल है तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इनका ओरिजिन लगभग 251 लाख साल पहले हुआ और हमारा ओरिजिन लगभग 3 लाख साल पहले हुआ। फॉसिल की बात करें तो 131 लाख साल पहले हुआ। नेचर अननेसेसरी किसी को प्रोटेक्ट नहीं करती। जब तक उसकी कोई यूटिलिटी ना हो, कोई सिग्निफिकेंस ना हो, है ना, यदि कोई यूटिलिटी है इनकी तभी तो नेचर ने इनको प्रोटेक्ट कर रखा है। यस। और दूसरा ये होता है कि सर्वाइवल होता है फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब नेचर का ये रूल है कि जो नेचुरल कंडीशन के हिसाब से जो चेंजेस हैं उनके हिसाब से यदि फिट है तो वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज खत्म हो जाएगा, ही इज नॉट अलाउड टू सर्वाइव। जैसे डायनासोर खत्म हो गया संसार से। हाँ, ऐसे दुनिया भर के हैं, इन्हीं में से कुछ स्पीसी चली गई। अच्छा, इनकी भी कई प्रजातियां चली गई। मास्टर टर्मिस एक स्पीसीज है, वो चली गई।
है ना। तो इस तरह से कुछ स्पीसीज जाती रहती हैं, लेकिन नवी नवी पैदा भी होती रहती हैं, है ना। अब आप देखिए कि 251 लाख साल से ये प्रिजर्व होती आ रही है, तो कोई तो इनका पॉजिटिव रोल होगा ना। यू विल सरप्राइज टू नो ये मिलियंस ऑफ टन जो वेजिटेटिव रिफ्यूज है, वेजिटेटिव मैटर है, उसको रिसाइकल कर देती है एनुअली। अच्छा, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इतने, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि दैट इज बेटर देन यूरिया, बेटर देन एनपीके जो हम खादें अपनी फसलों में डालते हैं। केवल इनको मैनेज करने की जरूरत है ना, कि ताकि हमारा नुकसान ना पहुंचाएं, इनको फायदे की तरफ लेके जाएं, है ना। हालांकि पेपर तो ऐसे भी हैं, मतलब आर्टिकल्स हमारे रिसर्च पेपर तो ऐसे भी हैं, यदि आप पढ़ोगे देखोगे तो हमारे पंजाब की मैं बात करूं, 1940s में बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा एक कस्बा था श्री हरि गोविंदपुर, दैट वाज टोटली डिवास्टेटेड, ही वाज टोटली डिवेकेटेड, ही वाज वेकेटेड बाय दिस ड्यू टू द अटैक ऑफ दिस टर्माइट्स। ओके, ये 1940 की बात है, ये 1940 के आसपास की बात है, ये रिकॉर्डेड है, और श्री हरगोविंदपुर होशियारपुर के बिल्कुल साथ ही लगते हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये पेपर में मेंशनड है। अच्छा, ठीक है ना। तो जहां तक इनका इकोलॉजिकल रोल है वो तो इनका बहुत बढ़िया है, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग में और मैटर को रिसाइकल करने में बहुत रोल पॉजिटिव प्ले करती हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो जो एनिमल, जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहा है, उसकी हर एक की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर होती है। अकेला टर्माइट नहीं, हर एक की होती है कुछ भी, ठीक है ना। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ जेनेटिक मैटर इनके जीन पूल से मिले जो आगे जाके हम कहीं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किसी दूसरे एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें और उसमें से वंडर क्रिएट कर दें। तो हमारा जो एम है इनको टोटली सीन से एलिमिनेट करने का नहीं होना चाहिए। सो इनका पॉजिटिव रोल बहुत ज़्यादा, काफ़ी पॉजिटिव रोल है। और नेगेटिव तो आपको पता ही है कि हमारे जितनी भी वुडन वुड या प्लांट्स या उनके जो आगे प्रोडक्ट्स हैं उनका तो ये सफाया करती करती है। और कुछ प्लांट्स के हालात जो हैं, जो सर ने रिसर्च किया हुआ है, हाँ, वो आप ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं, ये पॉपुलर के पेड़ है सर। हाँ, ये पॉपुलर के जितने भी रो आपको नजर आ रही हैं, दे आर ऑल होलो। अच्छा, ये सारे होलो हैं अंदर से। हाँ, इसमें से एक का मैंने काट के दिखाया और वो भी, और वो उसके नीचे उसका नेस्ट दिखाया, और ये भी एक किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। दूसरा, जो मैंने बॉक्सेस दिखाए हैं आपको, हाँ, जो बॉक्सेस आप देख पा रहे हो ये लिटरेचर बॉक्सेस हैं। और ये देखिए, ये लिटरेचर बॉक्सेस जहां जिस कमरे से मिले वो एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट के हैं, और इसके अंदर कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया कि इसके अंदर टर्माइट अटैक है। जी, जब बाई चांस अंदर से खोला और जब मैंने साथ में पॉपुलर का पेड़ था उसमें टर्माइट अटैक देखा, तो मैंने उसकी जड़ें ढूंढी। तो उसमें जड़ में से ढूंढते हुए मैंने उसकी उसकी गैलरी को देखते हुए चला कि मैं तो इस कमरे में एंटर कर रही हैं। तो मैंने वो कमरा खुलवाया, कमरे के अंदर ये बॉक्सेस पड़े थे, बॉक्सेस खोल के देखे तो अंदर से ये हाल था, महाराज जी अंदर विराजमान थे। हाँ, तो आप उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। एक जानकार वैज्ञानिक और एक जानकार व्यक्ति ही टर्माइट्स को पता कर पाएगा कि वो कहाँ तक और कैसे, कहाँ कितना समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कितने संरचनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सर, जब आपने ये रिसर्च किया, जब पेड़ों के अंदर आपने सारा देखा कि अंदर से खोखला कर चुका है पेड़, क्या ये बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उसको भी ये खोखला कर देते हैं अंदर अंदर और बाहर से पता नहीं लगेगा? एक्चुअली तो क्या होता है कि जिनकी तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, मड जिसके अंदर यूज किया है, उसमें तो आप मान के चलो कि 100% इन्फेक्शन है, ठीक है ना। और दूसरा, आप ये मान के चलो कि बिल्डिंग चाहे कंक्रीट की हो, चाहे वो मड की हो,
चाहे वो नॉर्मल हो, पहुंचेंगी तो ये हर जगह, हर जगह। अपने अपनी जो इनकी प्रीडेसेसर जो छोड़ के गए हैं कब्जा, जिस पे हम ऑक्यूपाई किया हुआ, हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, पहुंचेंगे तो ये जरूर, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हमने इनको, इनसे बचना कैसे है। बहुत सुंदर। अब आपने ये तो बता दिया कि हमने इनसे बचना कैसे है, यही बता दीजिए कि हमने इससे बचना कैसे है। एक्चुअली मेरे को, मैं इनको मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि इनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। आपने सबने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, आप केवल अपने आप को प्रिवेंट कीजिए, अलर्ट रहिए। खास तौर पे वैसे तो इनका सारा ही साल पीक पीरियड होता है, लेकिन फिर भी खास तौर पे जुलाई से लेके और मिड अक्टूबर तक, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देते रहें। जुलाई से मिड अक्टूबर तक आपको ध्यान देते रहें, हर चीज को देखते रहें। सोफे के नीचे देखें, आपने जो नीचे कारपेट बिछाई हुई है, जो आपके बेड हैं, आपका जो बेड की लेग्स हैं, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हो सकता है बेड की लेग्स के नीचे से ही वो अपर्चर बना के और आपके बेड के अंदर हो। जब आप अपने बॉक्स को खोलोगे बेड के अंदर, तो शायद कुछ भी ना मिले। सो इस वास्ते बी केयरफुल, उनको हिलाओ जुलाओ, देखो अपने उन बेड्स को एक बार खोल के देख लो। स्टोर है तो स्टोर में एक दो बार विजिट कर लो, ठीक है ना। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं केमिकल्स के, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ डेटेरेंट हैं, कुछ कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ सिस्टेमिक पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ स्पेसिफिकली फूड एंड च्यूइंग के लिए पेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि इनकी जो हैबिट ऑफ फूड एंड च्यूइंग है, और ये बड़े डेलिकेट हैं, है ना। तो अलग अलग कॉलोनी के हिसाब से, अलग अलग स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हम इनको मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना। बस फर्क यही है कि उनका, आप मार्केट में जाइए, अलग अलग ब्रांड के मिलेंगे, तो वहाँ पे उनका बस रेजिडुअल इफेक्ट पूछ लीजिए, भी रेजिडुअल इफेक्ट कितना है, कितनी देर तक ये रहेगा। आप उस पेस्टिसाइड को सिलेक्ट कीजिए, लेकिन नॉट टू किल देम, ओनली फॉर एज ए डेटरेंट। यस, उनको भगाइए, मारिए नहीं, मारिए नहीं। डेटरेंट होंगे वो कहीं और जाके, जहाँ पे उनको फ्री मिलेगा वहाँ पे चले जाएंगे। और फ्रेंकली स्पीकिंग, यदि मारने की कोशिश करेंगे तो मरेंगे भी नहीं, ये पक्की बात है। क्या बात है। आपने, मैं बता दूं कि आप आजकल एक नया फैशन आया हुआ है, भी ड्रिल करके दीवारों में पेस्टिसाइड्स अंदर डलवा देते हैं। आपने वहां तो ड्रिल करवा दिया, क्या फर्श के नीचे भी करवा दिया? हाँ। जिसके ऊपर आप सो रहे हैं, हाँ। वहां मार्बल के बीच में से या आपके टाइलों के बीच में से थोड़ा सा इसको स्पेस चाहिए, और आपने ऊपर कारपेट बिछाई हुई है, और थोड़े से स्पेस में से इन्होंने अंदर आना है, और आपको तो पता भी नहीं लगा, आप उसके ऊपर रोज बैठते होगे, नीचे से खाली है, तो ये खत्म तो नहीं होंगे। इस खत्म करने के लिए तो बहुत बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए, और मैं उस खत्म करने के हक में भी नहीं हूं। तो केवल अपनी प्रिवेंशन कीजिए। बहुत सुंदर। और अंत में ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं सर, इस तस्वीर का भी राज बताइए, ये कौन है महाशय? ये मेरे गुरुजी प्रोफेसर एचआर पजनी हैं, जिनसे हमने ये सब कुछ, या एंटोमोलॉजी की या टर्माइट्स की जो एबीसी सीखी, ये प्रोफेसर एचआर पजनी की बदौलत थी। जो कुछ हम सीख पाए और जो कुछ मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये सब उन्हीं की सुपरविजन के अंडर मैं काम करता रहा हूँ, और थ्रू आउट लाइफ उनसे गाइडेंस लेता रहा हूँ। तो मैं आज, वो हैं तो नहीं सुनने के लिए, लेकिन जहाँ भी हैं, मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। बहुत खूब। आज आपने जाना टर्माइट दीमक को। अगर आपके पास अन्य टॉपिक्स भी हैं, मन में आपके कोई सवाल भी है, तो सर हर वक्त अवेलेबल हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप चले आइए, और आपके हर एक सवाल के जवाब जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलते रहेंगे। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप कहाँ से हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं।
विश्व के किस कोने से आप हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं। ये एपिसोड आपके जानकारी को और अधिक बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए और लगातार जुड़े रहें GVC अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद।